हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि जोशी और आप लोग देख रहे हैं रश्मि जोशी ज़िला। और आज मैं आप लोगों को फेक नेल्स होते हैं, फॉल्स नेल्स बोलते हैं जिनको, नकली नाखून भी बोलते हैं उन, वो दिखा रही हूँ। वो कैसे लगाते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या तरीके हैं उसको एप्लीकेशन के, वो सब मैं बताऊँगी। ये देखिए, ये मैं पैकेट से निकाल रही हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। जो मेरे पास अभी है ये ग्लू वाला है, इसमें ग्लू की ट्यूब दी है। ये जो ग्लू है ये आईलैशेस के लिए भी यूज़ होता है, जो फॉल्स आईलैशेस यूज़ करते हैं कई लोग, तो उसके लिए भी यूज़ होता है और नेल्स पे भी यूज़ होता है। और अदरवाइज ग्लू के अलावा इसमें स्टिक करने वाला एक टेप भी आता है साथ में, तो उससे भी ये यूज़ उससे भी स्टिक होता है ये नेल्स। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास ऐसे आप नहीं कर सकते, बड़े नेल्स नहीं कर सकते, उनका केयर नहीं कर सकते, तो आप छोटे नेल्स में भी फॉर टाइम बिंग टेम्परेरी इस वाले नेल्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने हैंड्स को प्रीटी फील कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मेरे ड्रेस से मैचिंग हो रहा था तो ये वाले लगाती हूँ मैं, पर्पल नेल्स, फॉल्स नेल्स। तो ये देखिए, पहले आप लोग को जैसे पैकेट खोला, पैकेट खोल के देख लीजिए कौन से नेल पे कौन सा, कौन सी फिंगर पे कौन सा नेल फिट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। इससे क्या होता है, थोड़ा इजी हो जाता है लगाना, बाद में ये नहीं होता कि आप निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, वो सब नहीं रहता। तो इसलिए पहले ही उसको निकाल के देख लीजिए कि कौन सी नेल पे फिट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर लगाएंगे। जैसे मैंने ये फाइव अपना एक ही हाथ में लगाने वाली हूँ मैं, तो एक उसके हिसाब से मैंने निकाल के रख दिया है। और अब मैं इसको वन बाय वन लगाऊंगी। एक तरीका होता है कि आप इसको नेल्स पे, जो भी नेल आप यूज़ करने वाले हो उस पे ग्लू को डालें। ये देखिए, जैसे मैं डाल रही हूँ इसको, ग्लू को नेल पे डालें और फिर उसके बाद जो ये नेल है इसको अपने फिंगर पे, अपने नेल्स के ऊपर स्टिक कर दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बात है कि आपके नेल्स एकदम क्लीन होने चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे आपने नेल शेड नहीं लगाया हो, फिर भी एक बार इसको लगाने से पहले अपने नेल्स को क्लीन कर लीजिए। नेल, ये जो थिनर होता है, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उससे मैंने वो स्टेप कर दिया है, वो मैं दिखाना मिस हो गया मेरे से। बट इसको लगाने से पहले आप एक बार अपने नेल्स को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए थिनर से, उसके बाद ही इसको अप्लाई कीजिए। और आप अगर चाहते हैं कि नेल्स को ट्रिम करके इसको थोड़ा लंबे समय तक चलाना है, तो आप उनको पूरी अच्छे से शेप देके अच्छे से ट्रिम करके कर सकते हैं। बट मैं अपने जो रियल नेल्स हैं उनको कट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसी के ऊपर लगाया। और देखिए, दूसरा तरीका ये है। दूसरे तरीके में क्या होता है, आप जो आपका नेल है उसके ऊपर ग्लू को फैलाइए अच्छे से, उसके बाद जो ये फेक नेल्स हैं, फॉल्स नेल्स हैं, इसके ऊपर उसको लगा दीजिए। और जब भी आप ये नेल्स को लगाते हैं उसको अच्छे से प्रेस करना होता है, थोड़ी देर, फ्यू सेकेंड्स उसको अच्छे से दबा के रख दीजिए, उससे वो फिक्स हो जाएगा। बस यही स्टेप्स हैं, इनको हर नेल पे ऐसे इसको फॉलो करते रहिए और इजी होता है। आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ एक हाथ में लगा के देखा है, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। ये देखिए, नेल्स पे पहले लगाया, जो इजी तरीका लग रहा है उस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। और इस पर रख दिया, थोड़ा देर प्रेस किया, उसके बाद नेक्स्ट नेल पे गए। बस ये प्रोसेस फॉलो करते जाइए वन बाय वन सभी नेल्स पे। दोनों हाथ पे करना है तो दोनों पे कर लीजिए। और जो ये नेल्स हैं, ये जैसे मैंने तो पर्पल शेड में लिए हैं, ये ट्रांसपेरेंट और वाइट शेड में भी, वाइट में भी आते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे लेते हैं आप वाइट वाला, ट्रांसपेरेंट वाला लेते हैं किट, तो उसमें आप अपने मर्जी का नेल शेड घर से यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी एक चीज़ है, अगर आप वो प्रेफर करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसको मतलब नेल्स पे आप पेंट करके यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, फिर नेल थिनर से हटा के अगेन कुछ और यूज़ कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो पाता है और ज़्यादा बार यूज़ कर पाते हैं आप। हर ड्रेस के साथ अलग अलग मैचिंग कर सकते हैं। इसमें यह है कि जैसा कलर है वो वैसा ही रहेगा, फिर आपको दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा दूसरे ड्रेस के लिए। इसमें नेल आर्ट किए हुए भी आते हैं, मैं आगे दिखाऊंगी आपको। इसमें अब जैसे ये सिंपल मैंने प्लेन यूज़ किए हैं, ऐसे इसमें नेल आर्ट किए हुए नेल्स भी आते हैं, तो वो भी बड़े सुंदर लगते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, नेल्स ऐसे लग ही नहीं रहा जैसे फेक नेल्स लगाए हुए हैं, ऐसे लग रहा है रियल नेल्स हैं। देखिए हाथ कैसे बिल्कुल बदल गया है एकदम। देखिए कितना प्रीटी लग रहा है,
मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम ज़बरदस्त लग रहा है। इसने मेरे पूरा लुक में चांद तारे लगा दिए हैं। आप भी मुझे बताइए आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।